हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल और एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम लोग अभी क्लॉथ सिमुलेशन का सीरीज देख रहे हैं फॉर द इंटीरियर डिजाइनिंग पर्पस, तो मैंने आपको चादर वगैरह बनाना दिखा दिया, क्लॉथ वगैरह टेबल के लिए कैसे बनाते हैं, मैंने पीलो बनाना भी दिखा दिया। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले कर्टन बनाने के लिए कि कर्टन आप अपने घर के लिए कैसे बना सकते हैं, तो पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैनल है आपके इंटीरियर डिजाइनिंग के करियर के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। कर्टेंस यहां पे दो तरीके से बनाने के होते हैं, दो कर्टेंस हो सकते हैं। अभी देखो, सपोज मान लो कि तुम्हारा एक आपने एक रूम बनाया, ठीक है, आप एक घर बना रहे हो और उस घर के अंदर आपको एक कर्टन लगानी है। सिंपल सी बात है, आप एक घर अपने सपोज आपने ऐसे एक रूम बना लिया, मैं ऐसे कर देता हूँ इसको फटाफट, और मैं इसको कर लेता हूँ राइट क्लिक एंड कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। बहुत ही क्विकली समझाने की कोशिश करूंगा, तो आप इसे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे पहले कर लेते हैं हम कनेक्ट, एंड दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द कर्टन, मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे सपोज मान लो कि ये हमने यहाँ पे बना रखा है, ठीक है जी, इसे मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ और इसे मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे अपने को कर्टन लगाना है, सो इसको तो पहले कर लो आप एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड कर लो यहाँ तक कुछ ऐसे, डन, थोड़ा सा नीचे लाते हैं एंड देन मैं करता हूँ अगेन एक्सट्रूड एंड इस बार ऐसा, एंड देन आप इसे पकड़िए और इसे पकड़िए और पकड़ के आप इसे कर दीजिए ब्रिज। ओके, नाउ ये मेरा फ्रेम हो गया जहाँ पे हमें कर्टन बनानी है। अभी सपोज मान लो कि ये आपका वॉल है, राइट, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि आप एक इंटीरियर बना रहे हो एंड एक इंटीरियर में आपको दिखानी है कि आपको यहाँ पे कर्टन लगा हुआ है, राइट, यहाँ पे कर्टन लगा हुआ है। तो मैं आपको दो तीन तरीके बताता हूँ कर्टन्स लगाने के, और किस किस कंडीशन में किसको यूज करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आप एक चीज समझिए कि मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ लाइक कुछ ऐसा, और यहाँ पे ऐसे और भी बना लेता हूँ कुछ ऐसा कॉपी, ठीक है। सो हमारे पास तीन है, मैं तीन तरीके तो आपको एटलीस्ट बता ही दूंगा कि कर्टन आप कैसे बना सकते हैं। तो सपोज मान लो कि आपको यहाँ पे दिखाना है कि यहाँ पे यहां से यहां तक पूरा कर्टन एक लगा हुआ है आपके घर में, राइट, पूरा एक कर्टन लगा हुआ है। बहुत बार स्टूडेंट क्या करता है कि जब उसे कर्टन का क्लॉथ सिमुलेशन सिखा दिया जाता है, तो क्लॉथ सिमुलेशन के बाद वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे वो कर्टन बनाना शुरू करते हैं एंड देन उसको यूज करते हैं। लेकिन आप एक बात समझो पहले कि आपको पर्पस क्या है, आप यहाँ पे जो भी करने वाले हो लाइक यहाँ पे जो पर्दा लगाने वाले हो, क्या वो मूवेबल है, क्या वो मूवमेंट कर रहा है, या फिर शो पीस के लिए है, ये चीज आपको ध्यान से देखना है। अगर आपने देखा कि उस पर्दे का कोई खास काम नहीं है तो डोंट वेस्ट योर टाइम, आप ज्यादा मेहनत बिल्कुल भी मत करिए। मैं उसके लिए आपको एकदम बहुत ही सीधा सा एक तरीका बताता हूँ, आप सिंपल एक ले लो प्लेन। अब देखो मैं आपको एक दिखाता हूँ और आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली क्या करना है। सो, आप सिंपल एक यहां से ले लो प्लेन, क्योंकि ये आपको बात पता है कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ इस कर्टेन को हमें दिखाना है कि यहां पे कर्टेन लगा हुआ है, बट उसका कुछ खास यूज नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहला तरीका आपको बता रहा हूं जो कि आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, वो ये है कि आप इसमें सीधा एक मटेरियल यूज कीजिए, ठीक है जी। यहाँ पे आपको मटेरियल यूज करनी है, कैसी मटेरियल यूज करनी है, तो आपको मटेरियल यूज करनी है कर्टेन्स की। तो ये देखिए हमारे पास एक कर्टेन्स का मटेरियल ऑलरेडी यहाँ पे है, तो मैं इस कर्टेन्स को यहाँ पे डाल दूंगा और यहाँ पे इसको ऐसे लगा दूंगा कि अगर मैं इसको रेंडर करूंगा, कोई भी ये बात कह सकता है क्या कि ये कर्टेन नहीं है। सी, आपको बिल्कुल भी लग रहा है कि ये कर्टेन नहीं है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा, पूरा लगेगा कि ये एक कर्टेन ही है। और मुझे भी ये बात पता है कि इसमें कोई एनिमेशन नहीं देनी है, लाइक कोई कर्टन हमें उड़ाना नहीं है, या हमें कैमरा क्लोजअप लेके नहीं जाना है उसके पास। अगर हम कैमरा को क्लोज लेके जाएंगे तो इट मे बी कि ये थोड़ा पता चल जाएगा कि ये फ्लैट है, ये देखिए, लेकिन अभी भी पता नहीं चल रहा है, बट स्टिल वी कैन डू दैट।
सो ये एक सबसे पहला तरीका है, अगर आप कोई भी इंटीरियर बना रहे हैं और उसमें अगर आपको कर्टेन लगानी है, और वो भी एकदम जिस पे कुछ खास नहीं करना है लेकिन वहाँ पे कर्टेन वाली फीलिंग देनी है, आप सिंपल ऐसे कर्टेन लगाइए, ऐसे ही कर्टेन लगाइए। दिस इज द बेस्ट वे टू यूज द कर्टेन्स। पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका, अगर आप चाहते कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसके अंदर वो डेप्थ समझ में आए कर्टेन वाली, चलिए मैं आपको वो भी समझाता हूँ और वो भी दिखाता हूँ कि आप वो वाली डेप्थ भी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो बहुत ही सिंपल है, मैं क्या करने वाला हूँ अभी कि मैं यहाँ पे, ये फ्रंट व्यू है हमारा, और फ्रंट क्या, आप टॉप में आ जाइए, एंड टॉप में आकर मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे लेता हूँ सिंपल एक लाइन, एंड लाइन लेके मैं यहाँ पे काम करता हूँ, कुछ ऐसे कर लेता हूँ। देखो जनरली जो कटेन जैसी होती है, तो उस तरीके से मैंने ऐसे कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे वर्टेक्स में जाना है एंड सब वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट कर लिया मैंने, एंड सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊंगा यहाँ पे फिलेट में और इनको कर दूंगा ऐसे फिलेट। डन हो गया। अभी हमें क्या करना है कि अभी हमें आना है यहाँ पे, और आप देखेंगे कि यहाँ पे ई प्रेस कीजिए और इसे आप अपने हिसाब से इसको रोटेट कर लीजिए। मैंने रोटेट कर लिया। डन। अभी मैं लेकर आता हूँ इसको यहाँ पे आई मीन कि इसके साइज में, यहाँ पे। डन। आपको जहाँ लगानी है लगा लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मुझे इसको बेसिकली लगाना है ऐसे। एंड अब आपको क्या करना है, यहाँ पे करना ये है कि इसमें जस्ट लगा दीजिए आप एक्सट्रूड, हो गया, और इसे आप कर लीजिए कुछ ऐसा। एंड सी, यहाँ पे तो आप इवेन इसके अंदर की फील को भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसके अंदर वो पर्दे वाली फीलिंग भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। ये देखिए, पर्दे वाली फीलिंग भी मिल जाएगी। इवेन अगर आपको यहाँ पे एक रॉड लगानी है, आप वो रॉड भी लगा सकते हैं। सो मैं ले लेता हूँ यहाँ से स्फीयर, सॉरी सिलेंडर, ई प्रेस करेंगे और उसको ऐसे घुमा लेंगे। और आप ये देख सकते हैं जैसा पर्दा आप घरों में देखते हो, ये सेम टू सेम कर्टेन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और वो भी बहुत खूबसूरती के साथ, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ इसका कलर, ताकि हमें समझ आए। ये देखिए, एंड एम प्रेस करेंगे एंड यही वाला मटेरियल इसके अंदर भी हम डाल देंगे। ओके, इसको सेलेक्ट करेंगे एंड कर देंगे इसको UVW मैप एंड इसको वाले बॉक्स। ये देखिए, यहाँ पे आ गया और पूरी तरीके से कटेन में एक डेप्थ भी आपको मिल रहा है। सो दिस इज द अनदर मेथड विच यू कैन यूज इन योर इंटीरियर सीन। अभी आप चाहो तो इसे आर प्रेस कर लो ऐसे, और इसे ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर लो, एंड प्रेस करके आप इसको इधर रख लो और एक कॉपी करके आप इधर डाल दो। इसे सेलेक्ट करते हैं और इसकी हाइट थोड़ी सी से बड़ी कर देते हैं। ये देखिए, इस तरीके के भी आप घरों में पर्दा यूज कर सकते हैं एंड पूरे डेप्थ के साथ ये पर्दा आपको दिख जाएगा, देयर इज नो इशू। सो ये भी एक टेक्निक है कर्टेन बनाने का। सो दिस इज द फैंटास्टिक वन। लेकिन अगर आपको ये बोला गया है कि यहाँ पे जो आपने कर्टेन लगाया है वो कर्टेन फ्लाई कर रहा है, लाइक वो कर्टेन उड़ रहा है, ठीक है, वो कर्टेन उड़ रहा है, मतलब हवा चलने से वहां पे आपको दिखाना है कि वो मोशन में एकदम रियलिस्टिक दिखाना है, देन आपको क्लॉथ सिमुलेशन के ऊपर काम करना है, ठीक है। देन आपको क्लॉथ सिमुलेशन के ऊपर काम करना है, अदरवाइज आपको नहीं करनी है। चलिए, तो अब हम आते हैं क्लॉथ सिमुलेशन के ऊपर और उससे बनाकर देखते हैं। तो उससे काफी रियलिस्टिक बनती है, ठीक है, उससे जो बनेगा पर्दा वो काफी रियलिस्टिक होने वाला है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे आप बना सकते हैं। तो ये मैंने एक फ्लोर बना लिया यहां पे और इन दोनों को पकड़ के थोड़ा सा ऊपर कर लिया। अब मुझे यहां पर एक कर्टेन बनानी है। सो मैं क्या करने वाला हूं, सिंपल इसी प्लेन को मैं यहां पे कॉपी कर दे रहा हूं, सिंपली कॉपी कर लिया एंड एम प्रेस करता हूं और इसमें मैं नॉर्मल कर देता हूं इसको, ठीक है, क्योंकि हमें यहां पे कर्टेन बनानी है। तो मैंने अभी नॉर्मल कर दिया और इसकी जो हाइट है, यानी कि इसकी जो ये वाली पोर्शन है, ये वाली, इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं और यहां कर लेता हूं। ध्यान से समझिएगा,
अभी मैंने यहां पे लगा लिया, इसको मैं थोड़ा सा सामने ले आता हूं। इसके सेगमेंट्स ज्यादा होने चाहिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तो मैं इसको कर देता हूं 80x80। ओके डन। अभी आप यहां पे आकर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये 80x80 हुआ हुआ है। अब हमें क्या करना है, ये जो है इसका नाम रख दो आप फ्लोर, ताकि आप आसानी से समझ सको। तो मैंने इसका नाम रख दिया फ्लोर, और ये है हमारा कर्टेन। ये नेमिंग आपको बहुत जरूरी है समझने के लिए। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको सिलेक्ट करने वाले हैं और चुपचाप यहाँ पे जाएंगे एंड क्लॉथ लगा देंगे। सो ये देखिए आपका क्लॉथ लग गया। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाइए एंड यहाँ से ऐड ऑब्जेक्ट कीजिए और यहाँ से फ्लोर को ले लीजिए। देखिए इसी वजह से मैंने यहाँ पे नाम दिया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं तो हमें ढूंढने में आसानी हो। फ्लोर को करते हैं कोलिजन एंड कर्टन को करते हैं क्लॉथ। फ्लोर इज अ कोलिजन एंड कर्टन इज अ क्लॉथ, दैट्स इट। ओके हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे करना ये है आपको कि अभी आप क्लॉथ सिमुलेट करिए। जैसे आप सिमुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका कपड़ा है वो जमीन पे गिर जा रहा है। ये देखिए जो कपड़ा है वो जमीन पे गिर जा रहा है, और ये देखो पूरी तरीके से कपड़े की तरह से वो जमीन पे आपका गिर रहा है। गुड, नो इशू, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो ये जमीन पे गिर रहा है, लेकिन कर्टन ऐसा तो नहीं होता है। सो कर्टन के लिए क्या करना है, कि कर्टन के लिए हमें चाहिए कि वो लटक जाए, राइट। सो मैं क्या करने वाला हूं कि मैं यहां से इसको पकड़ता हूं और इसे कॉपी बना लेता हूं, डन। ओके एंड इसकी रेडियस मैं थोड़ा सा अभी के लिए बड़ा कर लेता हूं और कलर कर देता हूं चेंज। अभी क्या करना है, इसे आप यहां ले आइए, यहां पे ध्यान से समझिएगा। यहां पे मैंने ले आया, इसकी थोड़ी सी हाइट वाइट कम कर लो, मैं यहां से यहां तक ऐसे रख लेता हूं। और इसे क्या करना है, इसे आप यहां पे आएंगे और इसे यहां पे रख लीजिए ऐसे। अब हमें क्या करना क्या है, हमें करना ये है कि किसी भी तरीके से, अच्छा सबसे पहले तो आप एक काम और करो कि इसका जो पिवट है वो सेंटर टू पिवट। ओके कोई नहीं, चलो ठीक है, ये सेंटर में है ना, हम इसे यहाँ ले आते हैं, दैट्स इट, एक ही बात है। हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि इसको इसके साथ हैंग कराना है। कैसे कराएंगे, तो सबसे पहले आप इसमें जाइए और यहाँ पे क्लॉथ के अंदर में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये ग्रुप वाला पैनल, इस पर आप क्लिक कीजिए एंड देन आपको क्या करना है कि यहाँ से कुछ पॉइंट्स पकड़ने हैं आपको। आप जिस तरीके का जितना डिस्टेंस पे लगाना चाहते हैं आप यहाँ से लगा दीजिए। तो मैं ये रैंडम बता रहा हूँ, रैंडम यहाँ पे मैं पकड़ रहा हूँ, आपको एकदम काउंट कर करके एंड पर्टिकुलर तरीके से आपको पकड़ना होगा। तो देखिए मैंने ऐसे कुछ सिलेक्शन बना लिए टॉप वाले पॉइंट्स पे, देन मैं क्या करूंगा, इस मेक ग्रुप पे क्लिक कर देंगे। मेक ग्रुप पे हमने क्लिक कर दिया, डन। अब हमें क्या करना है कि अब हमें क्लिक करना है इस नोड पे, और नोड पे क्लिक करने के बाद इस सिलेंडर को पिक कर लेना है। जैसे आप पिक करोगे ना, यहां पे दिखाएगा नोड टू सिलेंडर, मतलब कि ये जो आपका ग्रुप है वो सिलेंडर के साथ कनेक्ट हो चुका है। चलिए बस इतना ही तो करना था। अभी आप यहां पे आइए, क्लॉथ में आइए और इसको करिए सिमुलेट लोकल। तो अभी आप देखेंगे कि आपका जो क्लॉथ है वो नीचे नहीं गिर रहा है, डन, कोई बात नहीं। लेकिन ये कटेन जैसा लग भी नहीं रहा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर में थोड़ा थोड़ा कटेन वाली फीलिंग आ रही है, लेकिन नीचे में कटेन जैसा लग नहीं रहा। अब क्या करना है, बहुत आसान है एक चीज, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इसे सेलेक्ट करो और इसे क्या करो कि इसे आप यहां 10 पे लेकर इसे एनिमेट कर दो, ऑटो की एनिमेट, एंड इसको यहां पे लाके मैं क्या करने वाला हूं कि इसको इसे छोटा कर देता हूं, ठीक है। क्या हो रहा है, ये ऐसा छोटा हो रहा है, सी ये ऐसा छोटा हो रहा है। ओके ग्रेट, बाहर आ जाइए। अब आप इसको करिए यहां पे सिमुलेट, आप इस पे जाइए क्लॉथ में एंड यहां पे करो सिमुलेट। अभी देखो क्या होता है, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, यहां पे जो आप सिमुलेट लोकल देख रहे हैं ना, यहां पे सिमुलेट लोकल देख रहे हैं,
सिमुलेट लोकल जो होता है वो स्टैटिक फ्रेम के लिए होता है, लेकिन अगर आपने कुछ चीज एनिमेट किया है तो आपको क्लिक करना है सिमुलेट के ऊपर। तो मैं यहां से कर देता हूं सिमुलेट। अभी देखो ये देखिए हमारा सिमुलेशन हो गया यहां पे कंप्लीट, और अभी आप देख सकते हो कि ये काफी रियलिस्टिक एक कर्टेन वाला फीलिंग आपको दे रहा है। ये देखिए और एकदम अच्छे से ये सिमुलेट भी हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे काफी अच्छी वाली आपको कर्टेन की जो सिमुलेशन है बहुत अच्छी वाली हो गई है। अभी मैं क्या करने वाला हूं कि एम प्रेस करूंगा एंड इसके अंदर आप कोई दूसरा एक बीट मैप डाल दीजिए, कोई भी कर्टेन से रिलेटेड जो आपको लगता है। तो सपोज मान लो कि हमें ये वाली डालनी है, मैं कर लेता हूँ ओपन एंड अप्लाई, और ये देखिए ये काफी खूबसूरत सा कर्टेन बन के तैयार है आपके सामने। अभी आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस इसको पकड़िए और ले जाकर इसको जहां लगाना वहां लगा दीजिए। सो इससे रियलिस्टिक कर्टेन आपको नहीं मिलने वाला, ये देखिए तो कुछ इस तरीके से। और या फिर मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा मिरर, सो मिरर कर लीजिए और मिरर करना है वाई में एंड करनी है कॉपी। ओके सो यहाँ पे आ जाइए आप, आकर देखेंगे। ओके सो ये वाली चीजें नहीं आएंगी तो मुझे इसे मैन्युअली करना पड़ेगा, और मैं मैन्युअली इसे मैं मैनुअल कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं काफी रियलिस्टिक तरीके से ये अपने को मिल रहा है, लेकिन ये देखो यहाँ पे ना एक छोटी सी मिस्टेक हो रही है। सो मैं इसको और इसको दोनों को पकड़ता हूँ, इसको यहाँ पे ऐसे कॉपी करता हूँ एंड कॉपी में इंस्टेंस करिएगा तब ये रहेगा। तो ये देखिए इस तरीके से आप यहाँ पे बहुत आसानी से कोई भी कर्टेन बहुत ही खूबसूरती के साथ बना सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर एक और नई चीज की, छोटी सी चीज है बस उसको मैं दिखा दूं ताकि आप थोड़ा सा इसकी रियलिस्टिक को और भी अच्छे से समझ जाएं। सो मैं क्या करता हूँ इसको डिलीट, इसको भी डिलीट, इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप चाहो तो यहाँ पे चीजें और भी अच्छे से कर सकते हो। लाइक आप इसको दिखाना चाहते हो कि ये जो विंडो है यहाँ पे लगा हुआ ऐसे और ये उड़ रहा है, ठीक है, थोड़ी सी डायनेमिक सीन है, तो आपको उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको जाना है यहाँ पे फोर्स में और यहां से लेना है एक विंड और यहाँ पे ऐसे कर देना है, ये एक विंड हो जाएगा एंड आप इसको ऐसे घुमा दीजिए, मतलब विंड ये खिड़की से हवा आ रही है, ठीक है। मैंने यहां पे लगा दिया ऐसे, थोड़ा सा नीचे लगा देता हूं ऐसे, और अभी क्या करना है कि इस विंड को करना है एनिमेट। सो इसको सिलेक्ट कीजिए, यहां पे आइए और इस विंड को हम कर लेंगे एनिमेट। सो मैंने यहां पे लगा दिया ऐसे, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा इधर से लगाता हूं, लाइक 40 से करता हूं। सो यहां पे कर लिया, और उसके बाद मैं यहां पे राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करके कर देना है यहां पे ऐड की। सो यहां पे इसका 1 है, थोड़ा देर के बाद इसको हम कर देते हैं लाइक 0.45, फिर थोड़ा इधर जाएंगे फिर इसको कर देंगे लाइक 2-3-4, फिर थोड़ा इधर आएंगे फिर थोड़ा इसको नीचे लाएंगे 1, फिर थोड़ा सा कर देंगे ऐसे 2-3, और फिर यहाँ पे लाके कर देंगे लाइक ऐसे ऐसा। अभी ये जो सिलसिला है चलता रहेगा तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ऐसे, सिंपली शिफ्ट दबा के जैसे कॉपी करते थे सेम टू सेम हमने कॉपी कर लिया, अब यहाँ से हट जाते हैं। तो ये इसका वैल्यू यहाँ पे लग चुका है। अब मजेदार चीज है, क्या करना है, इस क्लॉथ को सिलेक्ट करना है, क्लॉथ को सिलेक्ट करेंगे आप, सिलेक्ट करने के बाद नीचे जाएंगे थोड़ा सा। सो नीचे में आपको मिलेगा एक और मजेदार ऑप्शन, अच्छा यहां पे ये जो सेल्फ कोलिजन उसको ऑन कर लेना है, इसे हम थोड़ा सा 1 रख लेते हैं ऐसे। सिमुलेशन पैरामीटर, और इधर आपको एक ऑप्शन होगा, देखिए ध्यान से, ये क्लॉथ फोर्स, इस पर क्लिक करना है, विंड यहां पे आएगा और यहां पे इसको डाल देना है, ओके कर देना है, ठीक है। अभी आप इसको यहां पे जाओ और यहां पे जाकर इसको कर दो सिमुलेट। मैंने सिमुलेट पे क्लिक कर दिया, अभी आप देखेंगे कि वो विंड की वजह से वो उड़ेगा भी,
ये जो कपड़ा है वो उड़ता हुआ आपको दिखेगा. सो देखिए इसको सिमुलेशन पे मैंने क्लिक किया है. इट विल टेक लिटिल बिट टाइम बिकॉज हमने इसमें सिमुलेशन में और भी सारी चीजें ऐड करी हैं. सो थोड़ा सा इंतजार कीजिए. ओ क्लिक नहीं हुआ था. ओके ओके व्हाट्स द प्रॉब्लम. ओ सो सबसे पहले इसका जो रीसेट स्टेट करना है अपने को एंड देन आपको यहां से करना है सिमुलेट, तब होगा क्योंकि वो एक बार सिमुलेट हो चुका था. अभी आप देखोगे कि इस विंड की वजह से आप देखोगे कि ये उड़ता हुआ नजर आएगा आपको. देखो पर्दा जो है ना उड़ना शुरू करेगा. आप ध्यान से देखिए इसको. सो यहां पे अभी हमारा ये सिमुलेशन हो गया है कंप्लीट. अभी मैं इसको एक बार प्ले करके देखता हूं. सो अभी आप देख सकते हो कि देखो ये किस तरीके से हवा की वजह से ये उड़ रहा है. देखिए समझ में आ गया आपको. तो ये बहुत ही आसानी से आप इस तरीके से कर्टेन को सिमुलेट कर सकते हैं विद द विंड एंड ये काफी रियलिस्टिक आपको दिखेगा. आप देख सकते हो काफी रियलिस्टिक आपको यहाँ पे ये दिख सकता है. सी तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे कर्टेन बना सकते हैं और बहुत आसानी से हम लोग कर्टेन बना सकते हैं. तो फ्रेंड्स रखते हैं इस वीडियो में इतना ही. उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये बहुत ही हेल्पफुल है हर एक इंटीरियर डिजाइनर के लिए, आर्किटेक्चरल विजुअलाइजर के लिए जो लोग आर्किटेक्चर का काम करते हैं. तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं बॉस तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को साथ ही प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.